यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लाते हम लोग, ओनली ज्वेलरीज एंड कैश। कुछ कुछ घर के लॉक इतने से रहते छोटे से। क्वालिटी तो चोर की एक ही होती है, चोरी करना है तो करना है, अभी सोच के निकलते तो करके ही जाते हैं। I have a distinct memory that as a kid, my family home got robbed and my entire family was under a lot of stress. And that also happens when you get robbed. It's not just the monetary loss. So today, after a lot of like jugaad and my street smartness, I found two ex-robbers who are willing to tell us the secrets of their trade. And today, I'm going to go meet them in a mangrove jungle where they would hide their secret stash after all the thefts. I'm going there to try and understand what would go on in their minds before they would go out for robbery. आप लोग हमेशा साथ में रॉबरी करते थे? हाँ, हमेशा साथ में ग्रुप ही था हम लोग का। ग्रुप ही था हम लोग का। कितने लोगों का ग्रुप था? चार जन का ग्रुप था। अच्छा, और मतलब ये कैसे कैसे फंक्शन करता है? उसमें से एक फर्स्ट रहेगा जो वॉच करेगा, सेकंड रहेगा जो इन करेगा अंदर करके, थर्ड रहेगा वो सामान कलेक्ट करेगा, और फोर्थ रहेगा वो बाहर लेके आएगा। और आप लोगों ने लगभग कितनी कितनी रॉबरीज करी होंगी अगर कोई आपको आइडिया हो तो? वैसे तो 50 क्रॉस। 50 क्रॉस। जैसे आप लोगों ने तो छोड़ दिया रॉबरी करना, राइट? अगर आप लोग नहीं छोड़ते और अगर उसी बिजनेस में लगे रहते तो आगे आप और क्या क्या कर सकते थे? अगर हम लोग नहीं छोड़ते तो हम लोग फिलहाल घर में घुसते थे, घर लूटते थे, तो आगे जाके किसका मर्डर करके उससे भी आगे निकल जाते थे। So the ex-robbers took me to the tool shed to show me all the tools that they used to use to get into different homes. समझो ये लॉक है। हाँ, लॉक है। अभी इधर मैं जोर से मारूंगा तो ये टूट जाएगा। ये इसमें अपन ने अटका है, ऐसा अटका है। जैसे आप खींचोगे वो टूट जाएगा। और इससे हमें ग्रिल तार कट करते हैं। ये गैस वेल्डिंग है। ये हमें ऑटो में या तो फिर कार में डाल के लेके जाना पड़ता था। इससे जो सीधा ग्रिल कट होती है। ये ब्रैकेट रहता है ना, ये यहाँ पे अगर गैस वेल्डर में जो रहता है फिर कुछ भी वो दरवाजा निकाल के साइड में रखते हैं। सेफ्टी के लिए हम लोग या तो हम लोग के पास सामान रहता था छोटा, मतलब कटर चॉपर दिखाने के लिए करके, हाँ हम तुमको मारने वाले हैं, बट मारते नहीं थे जल्दी। पीपल हु टेक अप अ लाइफ ऑफ क्राइम हैव मोस्टली ग्रोन अप इन दैट स्पेस, सो यू आर जस्ट गोइंग विद द नॉर्म। Extreme cases, obviously, there is substance abuse, and all substance abuse can obviously alter how you feel, how you think, and you can engage in criminal activity. Have you ever been robbed? Yes. Yes, I have. We had an office in Colaba, which was in a residential building, and it was very, very well done. So it was organized. And they took what they wanted. They had come, they had scouted, they had searched the place. They left no trace behind. People who suffer a theft, do you think they go through some psychological harm? Yeah. Yes, so definitely they do go through harm. It depends definitely on your gender. It depends on your resilience. It depends on your age. Psychologically, first there's a lot of what just happened. Like, how did this happen? There was a watchman at the door, so they would know. They can come in the guise of, let's say, a courier person, magazine person, newspaper guy, could be anybody, just could be somebody who comes and asks you for an address. Kuch kuch ghar ke lock itne se rehte chote se. Safety achhi khasi rehni chahiye, mota bole to bahut zyada mota. Kuch kuch ke lock pe bhi fingerprint rehta hai. उन लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि अपने आजू बाजू में क्या चालू है। यहाँ पे हम लोग ग्रिल तोड़ के अंदर गए थे तो यहाँ से हम लोग को 30,000 कैश मिला था। 30,000?
देखो ये वाला एक हम लोग ने किए थे, यहाँ से अंदर घुसे थे, यहाँ से गोल्ड और कैश लिए थे। अच्छा आप लोग जो मुझे जगह बता रहे थे जहाँ पे आप लोग सारा सामान छुपाते थे, आप मुझे वो दिखा सकते हैं? देखो समझो पेड़ है तो ऐसे स्टेप ले, एक दो तीन, कितने स्टेप थे? 10 स्टेप, 10 10। यहाँ पे समझो अपना गड्ढा खोद दिए, कम से कम इतना तो खड्डा खोद देते रहेंगे, और इसमें आप फिर सारा सामान डाल के पैक कर देते थे। पर जैसे कि कभी ऐसा डर नहीं लगता था कोई दूर से बैठ के देख रहा हो कि लोग हर बार इसी पेड़ के आगे कर देते? टाइम टेबल रहता था, कभी रात को आते थे, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी मिड नाइट, और हम लोग कभी भी थोड़ा सा कैश रखने के, क्योंकि कोई फंस गया तो उसको छुड़ाने के लिए वो काम आए। कोई कोई झाड़ के तो नाम भी याद है हमको। झाड़ों के नाम है? हाँ, वो जो ऐसा टेढ़ा झाड़ है ना उसका नाम सरिता है। सरिता? हाँ। सर जो घर चोरी वाले जो केसेस होते हैं ये कितने कॉमन है? ये ज्यादा है मर्डर के और एक्सटॉर्शन वगैरह होते हैं उससे ज्यादा है। ये क्या है, आसान तरीका लगता है उनको गपशप जाने का, घर का ताला तोड़ के वो चोरी करके भाग जाने का। सर यूजुअली जो चोरियां होती हैं ये किस टाइम पे होती हैं? मतलब मिडनाइट के पास ज़्यादा होते हैं, 2 के 4 के बीच में ज़्यादा रहते हैं। कई कई बार होता होगा कि वो बहुत शांत बैठ जाते होंगे पकड़े जाने के बाद, मगर आपको उनसे कुछ डिटेल वगैरह चाहिए होती है? कुछ या कुछ जैसे बताते नहीं कुछ। हाँ, तो हमको फिर थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है, कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ता है, और थोड़ा ऐसे गूगली क्वेश्चन पूछते हैं उससे घबरा जाता है। गूगली क्वेश्चन? हाँ थोड़ा सा। मुझे बताइए किस तरह? मतलब अरे उस टाइम तो तुम उधर दिखाई दिया। हाँ, और फिर उसके चेहरे पर पता चलता है। अरे यार उन लोग का माइंड सैल्यूट है उन लोग के माइंड को। पहला तो बहुत टॉर्चर करते कौन? पुलिस वाले लोग, जब तक तुम बोलते नहीं जब तक वो मारते रहेंगे। बहुत बार पकड़ा, बहुत बार, मतलब कम से कम मालूम नहीं 10-15 बार तो पकड़ा रहेगा। बट कभी कभी ऐसे ही छूट जाता था, और कभी कभी 3 महीना या फिर 1 महीना ऐसा जेल भी जाके आ चुका हूँ मैं। आपने कभी किया कोई हेटेड सोसाइटी में? किया है, बट हम लोग ने फिर वॉचमैन को बहुत मारा है। मारा? हाँ, 2 वॉचमैन थे। हाँ। एक को बांध के रखा था और एक को बहुत मारा था कि वो बेहोश हो गया था। तो ये वाले जो सारे जंगल रहते हैं इनके अंदर का भी रास्ता आपको मालूम है? हाँ मालूम है ना, ये क्या है भाई साहब बाजू में चल रहे हैं उनको सब मालूम, पूरे पूरे जंगल के रास्ते। तो यहाँ से तो बहुत आसान हो जाएगा ना फिर। ये इतने टाइम बाद ऐसी बाइक राइड करी होगी, आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी ये करके? मतलब बाइक राइड नहीं कर रहे थे हम लोग घर राइड कर रहे थे। घर राइड कर रहे थे? घर राइड नहीं होता। जब आप लोग ऐसे सब घर देखते थे तो क्या क्या चीज़ें देखते थे? एक दो चक्कर में क्या क्या आपको लगता था कि ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो ये घर आसान होगा चोरी करने के लिए? फर्स्ट राउंड में देखते थे कितनी लाइट चालू है और गार्ड है क्या नहीं है। सेकेंड राउंड में देखते थे उसमें से ग्रिल कौन से इसको नहीं है। तीसरे राउंड में देखना पड़ता था पाइप से हम लोग पहुंच पाएंगे क्या नहीं, फिर देखना पड़ता था CCTV है या नहीं, अगर ना हो तो ही आप जाएंगे। अब क्या लगता है मेरे जैसे आदमी को, एक ऐसा प्रोफेशनल, ऐसा हंसने की बात नहीं है, मेरे में है क्षमता किधर है सर, मेरे जैसे आदमी को एक प्रोफेशनल अगर थीफ बनने का है तो कितना टाइम लगेगा एकदम प्रोफेशनल होने को? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको क्या माइंड में लेने का है, हिसाब से करते हो कितना फास्ट करते हो तुम्हारे ऊपर है। जैसे आपने शुरू किया था तो आप कब उस लेवल तक पहुंचे कि यार अब हम लोग को 2-1.5-2 महीने हो गए थे एकदम क्लियर। महीने का अगर मुझे 3-3.5 लाख कमाना है तो हो जाएगा? हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा। हफ्ते में हो जाएगा? I started this entire activity to try to get inside a robber's mind, but over a period of time, I think they got inside my mind a little bit. And I figured that breaking into houses is a lucrative business for any thief because it makes sense financially. After meeting the psychologist, what I also figured out was that the thieves take their jobs very seriously. Even if they are taking around the buildings, they are so fast. Okay, the third floor doesn't have a grill. We can reach the roof like this. Normally, when I cross a building, I'm like, don't talk about
stealing things. And after meeting the cops, I realized that the onus is on us to keep our safety. It's in our hands because the thieves are evolving, their tools are evolving, and I think it's time that we should evolve with our security game too.